रांची स्थित रिम्स अस्पताल की कुव्यवस्था सुधार लाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से फटकार भी लगी थी, लेकिन रिम्स अस्पताल ने भी ठान लिया है कि हम सुधरने वाले नहीं हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जहां पलामू जिले से अपना इलाज कराने आया मरीज अस्पताल के बाहर करीब 4 से 5 घंटे तड़पता रहा, लेकिन वहां स्वास्थ्य कर्मियों का जवाब यह आता है कि इसमें हम क्या करें, हमें अगर कोई परेशानी में आता है तो क्या सबके लिए दौड़ते रहेंगे। अब हमारा सवाल आपसे यही है, क्या स्वास्थ्य कर्मी अगर नहीं दौड़ेंगे मरीज के लिए तो आखिर दौड़ेगा कौन? मरीज के परिजनों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन के साथ। रिम्स की व्यवस्था पर इंसानियत शर्मसार, बेशर्मों के सहारे चल रहा है अस्पताल। रिम्स की कुव्यवस्था की एक और वानगी, रिम्स के बाहर 4 घंटे तक तड़पता रहा मरीज। पलामू से लाया गया मरीज लड़ता रहा जिंदगी की जंग। ताराचंद प्रजापति नामक शख्स ने टीवी 45 से लगाई गुहार, मेरे परिजन की तबीयत बहुत खराब है कि गूंजती रही शोर। इलाज तो शुरू हुआ लेकिन व्यवस्था का क्या? क्या ऐसी ही व्यवस्था की मार झेलते रहेंगे मरीज? जब डॉक्टर साहब ही करेंगे ऐसा तो मरीज का कैसे होगा इलाज? झारखंड हाई कोर्ट के फटकार के बाद भी रिम्स की नहीं सुधरी व्यवस्था। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां झारखंड राज्य के अलावा दूसरे राज्यों से मरीज और उनके परिजन इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनका बेहतर इलाज हो सकेगा, लेकिन समुचित इलाज के इंतजार में वो अस्पताल के बाहर ही तड़पते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जिसमें पीड़ितों ने गुहार लगाई कि जल्द हमारे मरीज का इलाज किया जाए, लेकिन घंटों इंतजार भी करना पड़ा। आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती तो ले लिया गया, लेकिन अब भी जो व्यवस्था है और जो चिकित्सकीय इलाज है उसमें देरी हो रही है। इन लोगों से ही बात करेंगे कि आज कुछ पूरा मामला है। कहां से आए हैं आप लोग? पलामू से आए हैं। किसे लेकर आए थे, क्या हुआ था? मेरा पिताजी की तबीयत खराब हुआ था, पिताजी के लेकर आए हुए थे, तो यहाँ पर हम 4 बजे सुबह पहुँच गए भोर में, तो हम बोले से ऐसा काम कीजिए से हम मरीज लेके आए हुए हैं, तो बोल रहा है से मरीज लेके आए हुए तो हम क्या करें, हम सर इसको भर्ती कर लिया जाए, इमरजेंसी है, तो बोल रहे हैं से इमरजेंसी है तो मेरा बेड खाली नहीं है। हम बोले से बेड खाली नहीं है तो कैसे जो है से आप एडजस्ट कीजिए सर, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, अभी कोई उपाय नहीं है, से जाइए आपको जो है से 3-4 घंटा के बाद होगा। हम की बताइए से 3-4 घंटा के बाद जो है से मेरा अति का परसेंट का जान चला जाएगा तो क्या होगा, तो कह रहा से क्या उसका हम रिक्स लिए हैं से ले जाओ सदर में। कितना बजे आप लोग आए और कितना बजे भर्ती लिया गया है? तो भर्ती जो है से हम लोग के लिया गया है जब आपके पास हम लोग कॉल किए हैं और उधर विधायक जी से बात किए हैं, इसका बाद जो है से 4 घंटा के बाद 5 घंटा के बाद हमसे भर्ती लिए गए हैं। 5 घंटा के बाद? जी। पहले इनकार कर रहे थे? हाँ, पहले इनकार कर गए थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हेरहंज से आए हैं। क्या कुछ मामला है? मामला है, रात में तो आए तो इलाज हुआ है, इस टाइम सुबह में बोले कि मैम उसको मतलब किट निकल गया था, तो 2 ठो मैम लोग के बोले कि थोड़ा सा उसको जाम कर दीजिए ना, ब्लड आ रहा है, कहाँ है उज्जा कर लीजिए ना अपने से। उतना जब हमको बुझा रहा था तो हम यहाँ किस लिए आए थे, उतना हमको जानकारी था तो हम घरे नहीं कर लेते हैं। दुख में अब क्या करेंगे, अब अगर इस तरह से होता रहेगा इलाज, अभी कैसा हो रहा है? अभी इलाज तो अब देखिए मेरे पिताजी के तो अभी हो रहा है हल्का फुल्का, अभी आप लोग जोर कीजिए, चालू भी नहीं हुआ है, तो चालू नहीं हुआ तो इनको आप लोग कार्रवाई कीजिए और अच्छा से हॉस्पिटल चलवाइए। तो सुना आपने, रिम्स अस्पताल को गरीबों का अस्पताल कहा जाता है। राज्य की चंपई सरकार अब मरीजों के इलाज के लिए 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा जैसी योजना तो दे रही है, लेकिन अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन को और सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को समुचित इलाज मिल सके। सहयोगी शादाब के साथ। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए रिम्स अस्पताल को झारखंड हाईकोर्ट से फटकार भी लगी थी कि व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सके, लेकिन रिम्स में व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी है और उसकी मार झेल रहे हैं वहां पे आने वाले गरीब मरीज। और एक तस्वीर जो सामने आई, पलामू जिले से इलाज कराने आए थे मरीज, लेकिन 4 से 5 घंटे तक वो तड़पते रहे, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी का जो जवाब आता है कि इसमें हम क्या करें। तो मोइजुद्दीन, मेरा सवाल यही रहेगा, क्या रिम्स अस्पताल में इसी तरीके से इलाज चलता है मरीजों का? अंकिता, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि रांची स्थित सूबे का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स है, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान।
ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है कि प्रैक्टिस भी वही, डॉक्टर भी वही, मरीजों का इलाज भी वही। ऐसे में झारखंड राज्य के अलावा यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों से मरीज उम्मीद के साथ आते हैं कि इनका बेहतर और समुचित इलाज हो सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था होती है ये लोगों को चिंता में डालने वाली व्यवस्था होती है। खास करके हमेशा से हमने सुना है कि रिम्स अस्पताल में कभी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, मरीजों और मरीजों के अटेंडेंट जो होते हैं उन पर दुर्व्यवहार का मामला आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो व्यवस्था है वो हमेशा से लोगों को अचंभित करती रही है, और खास करके रिम्स अस्पताल में जितने डॉक्टर होते हैं उसके अनुसार अगर मरीजों को सुविधा मिले तो झारखंड का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जा सकता है। क्योंकि बड़ा अस्पताल होने के बावजूद अगर यहाँ की व्यवस्था रहे तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लें तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर हमेशा से जीबी की बैठक होती रही है, जीबी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो जस की तक बनी हुई है। अगर झारखंड हाईकोर्ट की बात करें अंकिता, तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर के इसके व्यवस्था को लेकर के सीधे तौर पर कहा है कि मेडिकल उपकरण पद रिक्त रहने के साथ साथ चिकित्सकों की जो निजी प्रैक्टिस है उसको लेकर के जो याचिका जनहित याचिका जो सुनवाई हुई थी उसे लेकर इस पर फटकार लगाई थी। और ये फटकार जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय और जस्टिस रोशन की खंडपीठ ने रिम्स के दयनीय व्यवस्था पर स्थिति को देखते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। जी मोहिशुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि रांची स्थित रिम्स अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां की जो व्यवस्था है वो बद से बदतर होती हुई नजर आती है। झारखंड हाईकोर्ट से फटकार लगती है, लेकिन रिम्स अस्पताल की जो व्यवस्था है उसमें किसी भी तरह का सुधार हमें तो नहीं देखने को मिलता है। यही ताजा मामला सामने आया जहां एक मरीज को एम्बुलेंस में 4 से 5 घंटे तड़पना पड़ा, इसके बाद इलाज शुरू होता है। लेकिन सवाल आखिर ये है कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में जो कह सकते हैं कि चूक कैसे हो सकती है, स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से ये जवाब कैसे आ सकता है कि हम क्या करें, आप ही को इलाज करना और आप ही ऐसा जवाब देंगे तो आखिर कैसे चलेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि इतनी व्यवस्था को सुधारने की बात कही जा रही है तो रिम्स अस्पताल में कब व्यवस्था सुधरती है और कब मरीजों की सुविधा जो है उन्हें सही ढंग से उपलब्ध कराया जाता है।